कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, बी फार्मा सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूनिट चल रहा था 3, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। आज एक क्रोमेटोग्राफी में थ्योरी पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें 3-4 चैप्टर है इस यूनिट में। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आज की पूरी क्लास में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका प्रिंसिपल, दो चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की क्लास में हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, ये क्या चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को दोस्तों समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें एक ग्लास का कॉलम होता है। ध्यान समझिएगा, जैसे आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा फर्स्ट ईयर में, टाइट्रेशन किया होगा दोस्तों, तो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट क्या होता है, ग्लास का पूरा लंबा ट्यूब होता है। उसी तरह से एक ग्लास का लंबा सा ट्यूब होगा जिसको हम कॉलम कहते हैं, इसमें एक ग्लास का कॉलम होता है। ठीक है, इस कॉलम को हम अपने इस तरह से किसी भी असेंबल में इसको हम यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल लैब में किया ही होगा। ठीक है, ऐसे आप फिट करते हैं। ठीक है, तो एक ग्लास का दोस्तों क्या होता है, कॉलम होता है। उस ग्लास के कॉलम में हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस नाम क्यों पड़ा है, एक ग्लास का कॉलम लेते हैं और उस ग्लास के कॉलम में हम भरते हैं अपना स्टेशनरी फेज, यानी हम यहाँ पे कुछ डालते हैं एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट दोस्तों क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर करके ऐसे बनाने का टाइम लगेगा। ये इस तरह से हम इसमें क्या भरते हैं, इसको पैक करते हैं एक एडजॉर्बेंट के द्वारा। एडजॉर्बेंट क्या हो सकता है, सिलिका जेल जी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम इसके अंदर पैक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, ध्यान समझिएगा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेशनरी फेज। यानी एक हमारे पास ग्लास का कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर एक एडजॉर्बेंट भरा होता है। एडजॉर्बेंट में बेसिकली हम यूज करते हैं सिलिका जेल जी, और वही काम करता है किसका, स्टेशनरी फेज। ओके, ये हो गया। दूसरा, हम यहाँ पे सैंपल प्लेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो भी है, जो भी कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे सैंपल प्लेस करेंगे और ऊपर हमने लगाया है एक चैम्बर जो यहां से क्या ऐड करेगा, सॉल्वेंट ऐड करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्वेंट डालते हैं और ये सॉल्वेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है और ये पूरे सोल्यूशन में इस तरह से फ्लो करता है, और दिस इज कॉल्ड मोबाइल फेज। ठीक है, अब इस मुद्दे को पूरा ध्यान से समझिएगा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक ग्लास का कॉलम होता है जिसके अंदर एडजॉर्बेंट यानी स्टेशनरी फेज भरा होता है टाइट करके, ऊपर से हम सैंपल प्लेस करते हैं और ऊपर से डालते हैं सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज। जब मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज पे रन करता है तो जो इसके अंदर सैंपल है वो भी इसी के साथ धीरे धीरे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम उस इलुइट को इकट्ठा करते हैं जो यहाँ मिलता है, दिस इज कॉल्ड इलुइट। और इसी इलुइट से हम पता करते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसमें कौन कौन कलर के यानी कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर मिले। अगर देखिए अभी तो सैंपल एक साथ रखा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर 3-4 मान लीजिए इस सैंपल के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, माना ये सैंपल जो है इस सैंपल में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है ए और बी, तो अभी तो मिला हुआ है, तो इलुइट निकालेंगे तो हमको ए अलग प्राप्त होगा और बी अलग प्राप्त होगा। यानी ए और बी में कोई एक पहले निकलेगा, कोई एक बाद में निकलेगा, यानी दोनों अलग अलग समय पर प्राप्त होंगे, जिससे मालूम चल जाएगा कि इस सैंपल में 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ये फिगर बनाइएगा और प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द सेपरेशन बाय यूजिंग अ ग्लास पैक्ड कॉलम विद स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड मोबाइल फेज फ्लोइंग कंटीन्यूअसली थ्रू द कॉलम। यानी किस मेथड पे काम करता है कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर स्टेशनरी फेज भरे होते हैं, ऊपर से मोबाइल फेज रन कराते हैं सैंपल के साथ और सैंपल अलग अलग सेपरेट होते हैं, और इस बेसिस पे हम क्या करते हैं किसी भी सैंपल में क्रोमेटोग्राफी बेसिस पे उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यही इसका प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल किसके आधार पर बेस्ड है, इसके डिजाइन के, और डिजाइन कैसा है कि एक ग्लास का कॉलम है जिसमें स्टेशनरी फेज भरा है और मोबाइल फेज ऊपर से रन कराते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है दोस्तों, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार के होते हैं, तो अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन में ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नंबर 1 ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
इसको इस तरह ध्यान समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी और फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों, हमने कोई सैंपल, इस ग्लास को हमने सीधा रख दिया, अब हमने ऊपर कोई सैंपल डाला, तो अब ये सैंपल धीरे 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 इसमें एब्जॉर्ब होते हुए, इसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हुए, ये हमने जो बात किया वो इंट्रोडक्शन बात किया, प्रिंसिपल अभी डिस्कस करूंगा बाद में। ये जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन पर आते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन में, तो ये क्या होगा, जब कोई सैंपल प्लेस करेंगे तो ये सैंपल धीरे 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 नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो किस बेसिस पे सैंपल ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कुछ मास है, और जब किसी कंपाउंड कुछ मास होता है तो वो लोअर ग्रेविटी के द्वारा नीचे आता है, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए सैंपल नीचे की तरफ आ रहा है और बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सैंपल का मूवमेंट इल्यूशन जो है वो ग्रेविटी के कारण होता है। अब दूसरे केस में अगर दोस्तों हमने यहाँ पे सैंपल किया और ऊपर से हम कोई ऐसा प्रेशर, यानी कोई हवा के द्वारा, किसी वेपर के द्वारा कोई प्रेशर क्रिएट कर दे, जो ऊपर से हम प्रेशर देंगे तो ये और जल्दी नीचे आए। मान लीजिए पहले वाला अपने आप नीचे आ रहा था ग्रेविटी से, उसको 15 मिनट लग रहे थे, 20 मिनट लग रहे थे, लेकिन अगर ऊपर से हम कोई प्रेशर क्रिएट कर देंगे, एयर प्रेशर या वैक्यूम का प्रेशर क्रिएट कर देंगे, या कोई फ्लो गैस फ्लो करा देंगे, तो ये और जल्दी आएगा। जो 15 मिनट लगता था अब वो 2 मिनट लगेगा। तो देखो दोनों में काम नहीं है ऊपर से नीचे आना, एक में ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, दूसरा प्रेशर के द्वारा हो रहा है। तो जब हम प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गया? तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसमें लिखेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप, ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पहली हेडिंग ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, इन दिस मेथड द मोबाइल फिल्ड एंड सैंपल इल्यूट यानी कम्स आउट बाय द यूजिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरी वाली हेडिंग फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या लिखेंगे, इन द फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द अपर सर्फेस, सो द मूवमेंट ऑफ इल्यूशन इज फास्ट, द मूवमेंट ऑफ सैंपल मूवमेंट इज फास्ट एंड द इल्यूशन इज फास्ट एंड इट हेल्प्स बोथ ग्रेविटेशनल एंड एज पर एज वेपर प्रेशर। प्रेशर और ग्रेविटेशनल दोनों का काम होता है, इसी को हम लोग फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये हमने जो पहले डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब डालो अगली हेडिंग दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कि कैसे काम करता है, इस प्रिंसिपल को समझिए। जो ये प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं आपसे मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ पे सैंपल डालिए, सैंपल है ए और बी, सैंपल है ए और बी, ऊपर से आपने मोबाइल फेज रन कराया, थोड़ी देर बाद हमको ए अलग प्राप्त हुआ, बी अलग प्राप्त हुआ। इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह समझिए कि जैसे मैंने कहा कि मैं दो दोस्त हैं, मैंने दो लड़के हैं, दोनों से मैंने कहा कि चलो इस लाइन से तुम भागना शुरू करो, 100 मीटर दूर हमने एक लाइन खींच दिया, तो हम आपसे कहें चलो भागना शुरू करो और हम सीटी बजाए और दोनों भागने लग गए। अगर दोनों दोस्त उस 100 मीटर वाली लाइन को एक साथ पार कर रहे हैं, एक साथ पार कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों स्पीड से एक स्पीड से दौड़े हैं और दोनों के अंदर पावर जो है वो बराबर है। और अगर कोई एक पहले पहुंचा एक बाद में पहुंचा तो सीधी सी बात है कि एक के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा क्षमता है और दूसरे के पास कम पावर है, कम क्षमता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो सैंपल जो अलग होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन। क्या दोस्तों प्रिंसिपल है? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो सैंपल हम इस स्टेशनरी फेज पे रख रहे हैं वो स्टेशनरी फेज के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते 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 नीचे आएगा। समझ में आ गया? अब इसको मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास में एक कोई एक हमने एक कोई ट्रैक बना दिया, एक दौड़ने का ट्रैक बना दिया और उसमें ढेर सारा हमने क्या लगा दिया, उसमें मिट्टी, मतलब हमने उसमें कुछ चिकनी मिट्टी, मान लीजिए कि हमने उसमें कुछ बालू गोबर मिट्टी, उसको पूरा दलदल बना दिया। अब एक बंदे से मैंने कहा कि तुम नंगे पैर दौड़ो और एक से मैंने कहा कि तुम स्लीपर पहन के दौड़ो, चप्पल पहन के दौड़ो। अब आप बताइए पहले कौन पहुंचेगा? देखिए जो नंगे पैर दौड़ रहा है वो जल्दी पहुंचेगा क्योंकि उसके शरीर में उसके पैर में वो मिट्टी चिपकेगी नहीं, उसको पकड़ेगी नहीं, लेकिन जो चप्पल वाला है बार बार उसकी चप्पल उसमें फंस जाएगी और वो दौड़ नहीं पाएगा। यानी जो उस मिट्टी से ज्यादा चिपक रहा है वो धीरे दौड़ पाएगा, जो नहीं चिपक रहा है वो ज्यादा दौड़ पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर सैंपल यहाँ पे ए और बी है तो वो आपके स्टेशनरी फेस में एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा प्रिंसिपल? क्या है? एब्जॉर्प्शन। और उसमें क्या होगा, अगर जिसका
जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी जो पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन, भाई दो सैंपल है उसमें से एक का ज्यादा कि कम होगा, तो जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उसका मूवमेंट कम होगा। क्यों? मैंने कहा कि जो ज्यादा तेज से चिपक रहा है पैर में, जब चप्पल चिपकेगा तो तेज नहीं दौड़ पाओगे, तो जब जिस पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उसको वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया है, तो उसको यहां से यहां आने में टाइम लगेगा। यानी जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा उसका इल्यूशन टाइम भी ज्यादा होता है। व्हाट इज द इल्यूशन टाइम? किसी भी सैंपल का यहां से बाहर निकलने की प्रक्रिया को इल्यूशन कहते हैं, और जितना समय लगता है उसको इल्यूशन टाइम कहते हैं। तो जब किसी पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, चिपक ज्यादा रहा है, तो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसका इल्यूशन टाइम ज्यादा। और कोई सैंपल हमने मान लिया कि वो कम एब्जॉर्प्शन है, वो कम चिपक रहा है, यदि हम नंगे पैर दौड़ रहे हैं हमारा पैर कम फंस रहा है तो हम जल्दी बाहर आएंगे, तो उसका इल्यूशन जिसका एब्जॉर्प्शन कम उसका इल्यूशन टाइम ज्यादा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन पे, कि अगर जिस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है उसका इल्यूशन टाइम भी ज्यादा होता है क्योंकि वो देर में निकलता है, और जिसका एब्जॉर्प्शन कम होता है उसका इल्यूशन टाइम भी कम होगा। यानी ए और बी सैंपल में अगर हमने माना कि ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है बी का कम है, तो बी पहले निकलेगा ए देर में निकलेगा। क्यों? क्योंकि ए का इल्यूशन टाइम भी ज्यादा है, बी का इल्यूशन टाइम क्या है? कम है। बस इसी प्रिंसिपल पे, इसी आधार पे हम किसी भी सैंपल को अलग कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, यही है प्रिंसिपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप समझ गए होंगे। अब आप कैसे लिखते हैं इसको? द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन। इफ एनी सैंपल हैव बेटर एब्जॉर्प्शन विद द स्टेशनरी फेज सिलिका जेल, देन देयर रेट ऑफ मूवमेंट विल बी स्लो एंड इल्यूशन टाइम विल बी हाई, एंड वाइसी वर्सा। इफ एनी सैंपल हैव लेस एब्जॉर्प्शन पावर, देन देयर रेट ऑफ मूवमेंट इज हाई एंड टाइम ऑफ इल्यूशन इज लेस। सो वी कैन सेपरेट डिफरेंट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन रेट एंड इल्यूशन टाइम। भाई वो अलग अलग टाइम में निकलेगा। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। एग्जाम में प्रिंसिपल पूछता है कि आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में अलग अलग से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास है, आईआर है, कॉलम है, पेपर है, सबका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछता है। कैसे? तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब दो चीज होती है। एक तो रिक्वायरमेंट, कि पूरा प्रोग्राम करने में, पूरा प्रोसेस करने में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो पूरा हो गया और रिक्वायरमेंट। और दूसरी चीज होती है, रिक्वायरमेंट के बाद दूसरी चीज होती है कि कैसे करते हैं, बेसिकली प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो इसका जो रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर है उसको हम आठ भागों में बांट सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइड टू एट फॉलोइंग पार्ट। आठ पार्ट क्या है? पहला तो कॉलम, आपके पास एक कॉलम चाहिए जिसके अंदर आप क्या भरेंगे? सिलिका जेल जी भरेंगे, यानी स्टेशनरी फेज भरेंगे। दूसरा है एडजॉर्बेंट, यानी जिसको जिसको भरना है, यानी कि सिलिका जेल जी या कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है पैकिंग, कैसे उसमें भरेंगे। भाई कॉलम भी हो गया, अब जेल भी, अब इसको भरना कैसे है, तो ये हो गया, इसे बोलते हैं पैकिंग ऑफ कॉलम। दो प्रकार का होता है, वेट पैकिंग और ड्राई पैकिंग। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं सॉल्वेंट यूज। अब कौन सा मोबाइल फेज यूज करेंगे उसका चयन हमको करना है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, अब इसके अंदर हम सैंपल कैसे रखेंगे, इसका इस्तेमाल, इसका यूज करना है। अगला है छठवा, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, कैसे हम सेपरेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये छठा स्टेप है। सातवा है रिकवरी कंपोनेंट, कैसे हम अलग करेंगे। और आठवा है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं। तो पहले अगर आप डालिए हेडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये आठों पॉइंट लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिए। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉटन लगा लीजिएगा, कॉटन वूल, और यहाँ पे भी एक लगा लीजिएगा कॉटन, ये मैंने छोड़ दिया था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में आप दोनों जगह पे कॉटन लगा लीजिए, ऊपर नीचे कॉटन लगाते हैं। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। पहला काम कॉलर, तो कॉलम क्या लिखा था? कॉलम आज इज मेड अप ऑफ ग्लास, एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए कि ग्लास का बना होता है। दूसरा हेडिंग है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट आर बेसिकली स्टेशनरी फेज, वी यूज कॉमनली सिलिका जेल जी एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हम दो चीज यूज करते हैं, सिलिका जेल जी और कैल्शियम कार्बोनेट विद जिप्सम। तो ये दूसरा एक पॉइंट लिख लिया। अब तीसरा पैकिंग ऑफ कॉलम, पैकिंग ऑफ कॉलम का मतलब होता है कि आप कैसे स्टेशनरी फेज को इसके अंदर भरेंगे, इसको भरने के प्रोसेस के बेसिस, इसी को बोलते हैं पैकिंग ऑफ कॉलम। और इसको भरने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप पैकेट के अंदर जो पाउडर आपका है सिलिका जेल, उसको पाउडर को भरिए, ठोकिए, भरिए, ठोकिए, ऐसे करते करते उसको पूरा भर दीजिए ड्राई करके, दिस इज कॉल्ड ड्राई पैकिंग।
दूसरा तरीका है कि आप सॉल्वेंट में उस सिरका जेल को घोल लीजिए, उसका स्लरी बना लीजिए और घोलने के बाद इसके अंदर भर दीजिए और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, ड्राई कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड ड्राई पैकिंग। तो दो प्रकार की पैकिंग होती है, ड्राई एंड वेट। तो पैकिंग ऑफ कॉलम में क्या लिखेंगे, द एप्लीकेशन द फिलिंग ऑफ सिलिका जेल आर स्टेशनरी फेज इन टू कॉलम इज कॉल्ड पैकिंग ऑफ कॉलम। इट इज ऑफ टू टाइप, वेट पैकिंग एंड ड्राई पैकिंग। When the silica gel या when the stationary phase is dissolved into the solvent and make a slurry and then fill into the column and after dry, this is called wet packing. And when it is fill in the form of powder by tapping इन्हें ठोक ठोक कर भरते, this is called dry packing. Okay? ये हो गया। अगला step है solvent use. Solvent मतलब होता है mobile phase. अभी mobile phase कौन सा use करना है वो depend करता है कि हमारा sample कौन सा है। सैंपल का नेचर जैसा है उसी के हिसाब से हमको मोबाइल फेज यूज करना है, ताकि हमारा सैंपल उस मोबाइल फेज में डिजॉल्व ना हो, वो नॉन ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं करेगा। तो द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड सैंपल, ठीक है, एंड सैंपल शुड नॉट बी डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, भूलना नहीं चाहिए। अब अगला है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। सैंपल कैसे अप्लाई करेंगे, तो जब आपने कॉलम को पैक कर दिया तो कॉलम को पैक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप इसके ऊपर जो भी आपका सैंपल है उस मिक्सचर को इसके यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद ऊपर से कॉटन लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज वी प्लेस द मिक्सचर ऑफ सैंपल एंड देन अप्लाई कॉटन फ्रॉम द अपर साइड, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। अगला है आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। कैसे आप पहचानेंगे कि कुल कितने उसमें कॉलम में इस कंपाउंड कुल कितने कंपाउंड है, तो देखिए जितने अलग अलग सैंपल, मान लीजिए कभी हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया सैंपल, इसमें कितना मिक्सचर हमको नहीं पता, इस सैंपल में कितने कंपाउंड हमको नहीं पता। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जब धीरे धीरे निचला शुरू होगा तो हमको अलग अलग डार्क बैंड दिखना शुरू हो जाएंगे। एक मान लीजिए नीला रंग का यहाँ दिख रहा है, पीला रंग का यहाँ दिख रहा है और हरा रंग का यहाँ दिख रहा है। तो जितने हमको अलग अलग डार्क बैंड दिखेंगे हम मानेंगे हमारे पास उतने ही सैंपल है। अगर एक ही बैंड दिखा तो एक सैंपल है, दो बैंड दिखा तो दो सैंपल है, तीन बैंड दिखा तो तीन सैंपल है, क्योंकि वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन पे अलग अलग रेट पे मूवमेंट करेंगे तो अलग अलग दूरी पे वहां पे कलर बैंड बनेगा और ये कलर बैंड धीरे धीरे नीचे मूव करेगा। तो इस कलर बैंड को देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारे कुल कितने कंपाउंड है और कलर से पहचान सकते हैं कि वो कंपाउंड बेसिकली है। जैसे आपको पढ़ा कि जैंथिन का कलर अलग होता है, कैरोटीन का कलर अलग होता है, क्लोरोफिल कलर अलग होता है, ठीक है, तो इन सब कलर से हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर द रनिंग ऑफ मोबाइल फेज आफ्टर सम टाइम वी कैन सीज द बैंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन द कॉलम एंड बाय काउंटिंग दीज कलर बैंड्स वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द आवर सैंपल एंड देयर नेचर, बस यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है हमारा दोस्तों रिकवरी ऑफ सेल कंपोनेंट। रिकवरी कैसे करेंगे, जैसे ये कलर वाला हमारा नीला कलर वाला धीरे धीरे आ रहा है, हमने यहाँ पे लगाया सैंपल, लगाया इसको भरा और ए को हमने अलग कर लिया, इसको यहाँ पे ला कर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर से ये वाला जब नीचे आया तो हमने दूसरा ग्लास लगाया, यहाँ पे भर के बी को अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद तीसरा वाला आया, हमने इसको भर के सी को अलग कर दिया। इस तरह से हम सभी सैंपल को अलग अलग कंटेनर में लेकर के अलग कर सकते हैं और उसका इल्यूशन टाइम नोट कर सकते हैं किस टाइम पे निकला। दिस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ कंपाउंड। कैसे रिकवरी करते हैं, द लास्ट डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड, इस पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेंगे, अमीनो एसिड है तो फलाना अमीनो एसिड का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट है उसका टेस्ट, एल्कोलाइड है तो उसका टेस्ट, ग्लाइकोलाइड है उसका टेस्ट, अलग अलग टेस्टिंग करके हम पहचान सकते हैं कि हमारा सैंपल है वो क्या है और उसकी क्वांटिटी कितना है। ये है सिंपल आर पूरा प्रोसीजर कॉलम क्रोमैटोग्राफी का। अब इसमें समझते हैं दो टॉपिक दोस्तों, इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा है, तो आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि क्या क्या होते हैं इसके कॉलम क्रोमैटोग्राफी का एप्लीकेशन, दो चार पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। फिर आपके स्क्रीन पे है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कैसे कैसे क्या होते हैं इसको भी देख लीजिएगा, उनको भी लिख लीजिएगा। तो हम लोगों ने दोस्तों ये चैप्टर नंबर वन कॉलम क्रोमैटोग्राफी इसका खत्म कर लिया इस यूनिट का, इसमें दो तीन और है पेपर क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी को कैसा लगा, आपको समझ में आया, अगर आपका क्या है जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए।